हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का तरु वाटिका में। दोस्तों, आज ये छोटा सा पॉट दिखाई दे रहा है आपको, स्पाइडर प्लांट है। इसमें ऐसे ही लगा दिया था मैंने, तो मैंने सोचा इसको, ये बार बार गिर जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है, तो मैंने सोचा इसको थोड़ी सी शेप दे देते हैं, थोड़ी इसकी प्रूनिंग कर देते हैं। तो देखिए कैसे वाले को, और अब कैसी शेप हो जाएगी, कैसी शक्ल ही बदल जाएगी इसकी, मतलब आप देखते रहिए वीडियो के एंड तक। सबसे पहले इसके जो ब्राउन लीफ हैं उनको निकाल देते हैं, सूख चुके हैं जो, गंदे लगते हैं देखने में। देखिए ये ना बड़ा इग्नोर सा हो रहा था, इसमें पानी भी नहीं दिया कई दिन से, एक तरफ लुढ़क जाता है, हाथ नहीं जाता, पानी देते हुए दूर होता है, तो ये भी इग्नोर हो जाता है बेचारा टाइनी सा। तो इसकी पहले सफाई कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है। और अब इसकी प्रूनिंग कर देते हैं ऐसे करके इक्वल। ये देखिए हो गई ना ऐसे। ये हो गई इसकी प्रूनिंग। अगर आप इसको टोपियारी की शेप देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं, मतलब ऐसे कोई शेप देना चाहते हैं। अदरवाइज ये इतना घना नहीं है, क्योंकि इसमें कितने स्पाइडर लगे हुए हैं, सारे चार प्लांट लगे हुए हैं, अगर ज्यादा होते तो इसकी शेप अच्छी आती। तो हम सिर्फ इसकी बस ऐसे प्रूनिंग कर देंगे। अगर आपको और छोटी चाहिए पोट के हिसाब से तो और छोटी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घर की खेती है, फिर से आ जाएगी दोबारा। ये देखिए और प्रूनिंग कर दी मैंने, तो इसलिए कभी भी प्रूनिंग करते हुए घबराए नहीं अपना। ये देखिए है ना, टाइनी सा छोटा सा प्यारा सा बन गया। अब बारी है इसमें पानी देने की, क्योंकि पानी अगर नहीं होगा तो ये इसकी लीफ है ना जो ऐसे कर्ल हो गई है, पानी की कमी की वजह से हो गई है, तो इसको प्रॉपर पानी नहीं मिला। ये इसको इतना पानी दे दिया, ये देखिए नीचे से ड्रेन आउट हो रहा है ना, बस इनफ है इसके लिए। इसको थोड़ी देर यहीं रख दूंगी ताकि जो पानी है वो एक्स्ट्रा ड्रेन आउट हो जाए। तो इस तरह से ये तो छोटा सा सैंपल था, बिल्कुल टाइनी सा। हम बड़े प्लांट की भी ऐसे ही प्रूनिंग कर सकते हैं, और प्रूनिंग करते हुए वही बात, घबराए नहीं, कोनो टेंशन, एक आपके प्लांट को शेप आ जाएगी और इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी, अब आगे घना हो जाएगा ये। तो इसी के साथ ही वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बस कुछ नहीं, मैंने प्रूनिंग करनी थी इसलिए आपसे शेयर कर दी बस। और आज 26 जनवरी है, 26 जनवरी की सबको शुभकामनाएं, हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल ऑफ माय यूट्यूबर फैमिली, और जो मेरे फैमिली में जुड़ने वाले हैं उनको, और जो जुड़ चुके हैं उनको भी। तो इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। टॉपिक कुछ नहीं था लेकिन देखने में बहुत अच्छा था। नई वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, जो पहली बार आ रहे हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करके जाएं विद बेल आइकन, क्योंकि बेल आइकन के बिना आपको न्यू वीडियो का अपडेट नहीं मिलेगा। तो फाइनली इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, न्यू वीडियो में मिलते हैं।